कश्मीर के नेताओं ने तो बस कसम ही खा ली है कि कोई भी बात हो उनको कष्ट होना तो अनिवार्य ही है। यानी कि कश्मीर के नेता अब बन चुके हैं कष्टजीवी, कोई भी सेंटर की तरफ से बात हो तो उनको कष्ट। 370 कष्ट, 35A कष्ट, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करने आए कष्ट। हालांकि कश्मीर के नेताओं को जम्मू से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम कश्मीर के नेताओं की बात करें तो अगर उनको जम्मू से कुछ लेना देना होता तो 6 सीटें जम्मू की बढ़ रही हैं तो उसमें उनको कष्ट क्यों होता? उनको तो कष्ट नहीं होना चाहिए था क्योंकि उनको तो जम्मू से प्यार है, लेकिन उनको प्यार नहीं है, ये सब दिखावा है। देखिए, सबसे पहले मैं जो केंद्र और राज्य सरकार की जो कोशिश है उसके द्वारा जो लगभग 18,900 करोड़ के जो MOU साइन हुए हैं उसका मैं स्वागत करता हूं। एक बहुत बड़ा ये कदम है। मैं कहूंगा कि ये जो लोग हैं इन्होंने 72 साल तक जम्मू कश्मीर को जो है यहां पर यहां की तरक्की और तामीर और यहां पर बाहर से इन्वेस्टमेंट आए इसको उन्होंने रोका है, और इसी प्रकार से पॉलिटिकल जो इनका एजेंडा था उसके मद्देनजर, क्योंकि ये जो ज्यादा जो काम होगा वो जम्मू में होगा, क्योंकि अगर यहां फैक्ट्री लगेगी इंडस्ट्री लगेगी तो जम्मू में लगेगी, रियल स्टेट का भी ज्यादा जम्मू में होगा, तो ये जम्मू विरोधी इनका स्टैंड है। कश्मीरियों का तो गुमराह कर रहे हैं, कश्मीर में कितनी जमीन है इन प्रकार की बातों के लिए। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और एम्प्लॉयमेंट आई तक इन्होंने दी नहीं। ये जो है 1 लाख से ऊपर लोग ऐसे हैं जो टेम्परेरी और कैजुअल लेबर्स इस प्रकार के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये इन्होंने किया है। जब बाहर से इंडस्ट्री आएगी इन्वेस्टमेंट आएगी तो यहां पर नौजवान जो है वो उनको जो है रोजी रोटी का मिलेगा, ये लेकिन ये चाहते नहीं है। इनको लगता है कि यहां के लोग बैकवर्ड रहेंगे इकोनॉमिकली और जो है सोशली, तो इनकी जो है दो परिवारों की रोटी जो है राजनीतिक रोटियां सिकती रहेंगी, तो उसी के मद्देनजर ये सारा कर रहे हैं, जो कि लोग आप जो इनको बात समझेंगे नहीं। मैं इनके इस स्टैंड का उसको मैं भर्त्सना करता हूं। आज जब इन्वेस्टमेंट के लिए लोग बाहर से आ रहे हैं तो फिर से कष्ट शुरू हो गया है। इसी चीज का जवाब दिया है डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने अपनी इस वीडियो के माध्यम से, और यह साफ कर दिया है कि कश्मीर के नेताओं को सिर्फ और सिर्फ कष्ट के अलावा कुछ नहीं होता। डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से कश्मीर के नेताओं को मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखते रहे जेके मीडिया, धन्यवाद सभी को, मेरी तरफ से राम राम। देखिए, अगर डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट देता है और यहां पर जो बेसिक पैरामीटर्स है उसके आधार पर जम्मू को अगर ज्यादा सीटें मिलती हैं जो कि 72 साल तक इन्होंने हमें वंचित रखा, तो इनको कष्ट होता है। ये कहते हैं कि पावर सेंटर को चेंज करें इनके हाथ से पावर निकल जाएगी। अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है और यहां पर इंडस्ट्री खड़ी होती है, यहां पर रियल स्टेट आता है, यहां के नौजवानों को और चाहे वो जम्मू के हैं चाहे कश्मीर के हैं उनको अगर नौकरियां और रोजगार मिलता है तभी इनको कष्ट होता है, क्योंकि इनको लगता है कि हो सकता है कि हम दो परिवार जो हैं जो आज तक हम जो आर्थिक तौर पर जिस प्रकार से हम खेलते रहे खिलवाड़ करते रहे हैं उसके ऊपर जो है ये प्रश्न चिन्ह लगेगा, क्योंकि ये सारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा से असेसमेंट जो है जो इन्वेस्टमेंट है वो जम्मू में आएगी, इसके कारण इनको वो भी कष्ट है। जम्मू कैसे डेवलप हो जाएगा, क्योंकि अक्सर ये चलाते हैं, क्योंकि जब भी बात होती थी पहले तो कहते टूरिज्म कश्मीर का और इंडस्ट्री जम्मू की, ये इनका स्टैंड रहता था। लेकिन आज इंडस्ट्री आ रही है तो उसके रास्ते में रोडे अड़काने की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी बात जो है वो लोगों को समझनी चाहिए, ये एक षड्यंत्र है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उसकी बात में लोग नहीं आएंगे, हमें पूरा विश्वास है।